हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ चिली चिकन का रेसिपी। सो ये रेसिपी पे ख़ास बात क्या है आपको पता है? ये है देसी स्टाइल पे, मतलब हमारे स्टाइल का चिली चिकन, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और तड़कता भड़कता। सो स्टार्ट करते हैं चिकन को मैरिनेट करने से पहले। अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सोया सॉस, सॉल्ट और कश्मीरी लाल मिर्च देकर इसे अच्छे से हम लोग को मिक्स करना है। साथ में यहाँ पर पड़ेगा एक कॉर्नफ्लावर। देखिए यहाँ पे कॉर्नफ्लावर मैंने 2 चम्मच डाला है। उसके बाद यहाँ पर एक एग डालना है। अच्छे से इसे मिक्स कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लावर के साथ 1 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं, अगर आपको डीप कोटिंग अच्छा लगता है तो। हम लोग को डीप कोटिंग अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग सिर्फ कॉर्नफ्लावर और एग दे के इसे मिक्स कर देते हैं। काफ़ी अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर देना है लगभग 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद ये सब चिकन को एकदम तल लेना है, मतलब फ्राई कर लेना है क्रिस्पी टाइप का। आप लोग को अगर डीप कोटिंग पसंद है तो अच्छे से फ्राई करना। उसके बाद यहाँ पे उसका सॉस बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ने दिया है लहसुन और मिर्चा। उसके बाद यहाँ पे उसे ज़रा सॉर्ट आउट करने के बाद यहाँ पे दिया है कैप्सिकम और प्याज। ये तो मेन इंग्रेडिएंट है चिली चिकन के लिए। तो उसके बाद इसके सॉस बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग ने टमाटो केचप का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। काफ़ी अच्छा से हम लोग क्वांटिटी पे डाले हैं और यहाँ पे सोया सॉस डाले हैं। सो ये देसी स्टाइल इसलिए है क्योंकि इसमें इंडियन मसाला भी हम लोग डालते हैं, इसीलिए ये देसी स्टाइल है। वैसे ही हमारा देसी स्टाइल का हर खाना बहुत टेस्टी होता है। सो यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाला है। उसके बाद इसे देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्मेल आ रहा है, उसे अच्छे से मिला लें। तो यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे फ्राई राइस भी बना रहे हैं, ठीक है, वो भी देसी स्टाइल पे मिक्स एकदम वेजिटेबल डाल के। सो यहाँ पे देखिए कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा तीखे करने के लिए मिर्च डाला है और थोड़ा क्यूमिन पाउडर डाला है। तो बताए थे ना आप लोग को इंडियन मसाला स्पाइसेस डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने सारा चिकन डाल लिया है, काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप लोग को ड्राई चिली चिकन चाहिए ना तो थोड़ा पानी डालना। हम लोग को थोड़ा सा ग्रेवी वाला चाहिए तो हम लोग ने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। साथ में यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर का पानी डाल दिया। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हम लोग यहाँ पे इसे फूटने के लिए, मतलब बहुत थोड़ा सा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा फ्राइड राइस बन रहा है जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह डाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हमारा चिली चिकन रेडी है, काफ़ी ज़्यादा यमी लग रहा है। अगर आप लोग को कम थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी मतलब नहीं चाहिए तो आप लोग थोड़ा और फूटने दीजिएगा, हम लोग को थोड़ा ग्रेवी चाहिए था। तो यहाँ देखिए मेरा राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया है यहाँ पे, और ये हमारा चिली चिकन भी बन गया है। सो कैसा लगा आपको रेसिपी? पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ऐसे ही मेरे मिनी व्लॉग को सपोर्ट करिए।